बुधवार को जिला चिकित्सालय खंडवा में हज 2025 पर जाने वाले हाजियों का फिटनेस कैंप जिला हज कमेटी द्वारा लगाया गया। इस फिटनेस कैंप में मुख्य अतिथि बजरंग बहादुर सिंह, SDM खंडवा, RMA डॉक्टर कलमे, अकरम खान, रुआ पठान, अज्जू पहलवान द्वारा सभी हाजियों का स्वागत किया। कैंप संयोजक सईद कुरेशी ने बताया कि खंडवा जिले में 153 लोगों में से 110 हाजियों का सिलेक्शन हुआ। सभी सिलेक्टेड हाजियों का डॉक्टर दीप शिखा इवने MD, डॉक्टर अनिल सोलंकी चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर गणेश कुमाली चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर मुस्कान चिकित्सा अधिकारी, नरेंद्र लाड नेत्र सहायक, सुरेंद्र परमार ECG टेक्नीशियन, राम रावत नर्सिंग अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अयाज खान, उपाध्यक्ष इलमुद्दीन सोनी, उपाध्यक्ष कुद्दूस खत्री, सचिव हाजी समीर खान, सह सचिव अमीन खान, प्रवक्ता शेख इब्राहिम, मुकीद खान, नदीम खान, हाजी समद, आज़ाद पटेल, रफी खान, शेख शरीफ, नईम सोनी आदि मौजूद रहे। आज जिला हज कमेटी खंडवा द्वारा मोहम्मद अयाज खान के नेतृत्व में जो है जिला चिकित्सालय में हज 2025 पर जाने वाले हाजियों के लिए हज कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें RMO डॉक्टर कलमे सर द्वारा और अन्य डॉक्टरों द्वारा जो है सभी हज पर जाने वाले हाजियों का जो है मेडिकल चेकअप किया गया सबका, और उनको सभी को फिटनेस दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो है खंडवा शहर के SDM बजरंग बहादुर साहब और कलमे सर हमारे उपस्थित हुए और सभी हज पर जाने वाले हाजियों का हज कमेटी खंडवा के मेंबर द्वारा और SDM खंडवा बजरंग बहादुर साहब और कलमे सर द्वारा जो है सभी हाजियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर हमारे साथ में हज कमेटी के अध्यक्ष अयाज खान साहब, हमारे सचिव हाजी समीर साहब, हमारे साथ सचिव इब्राहिम भाई, आज़ाद पटेल साहब, हमारे कुद्दूस भाई, इल्मुद्दीन सोनी और मुकीद खान साहब और अन्य सदस्य मौजूद हैं। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।